फ्री आइडिया की स्वागत है आपका एक बार फिर। आज हम बात करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो पहले इनसे पहले वीडियोस में हम मियोसिस किस प्रकार से सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार से स्पर्म फॉर्मेशन और ओवम फॉर्मेशन में हेल्प करती है इसके बारे में हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। तो गैमेटोजेनेसिस जो है दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी कि गैमेट्स के निर्माण का जो प्रोसेस है उसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और हमें पता है कि गैमेट्स जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में दो प्रकार से होते हैं, एक एग कहलाते हैं दूसरे स्पर्म कहलाते हैं। तो एग की डिवेलपमेंट को हम लोग जो है ओजेनेसिस कहते हैं और स्पर्म की डिवेलपमेंट को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ मैच्योर स्पर्म इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवा इज ओजेनेसिस। तो 100 से लेके 650 मिलियन स्पर्म्स तक एक बार इजेकुलेशन में जो है मनुष्य इजेकुलेट करता है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा लग सकता है कि प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कितना कॉन्टीन्यूस और एक प्रोलिफिक प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूसली होने वाला प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है इतने ज़्यादा स्पर्म्स का निर्माण कॉन्टीन्यूसली टेस्टिस के अंदर होता रहता है। ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में मुख्यतः तीन डिफरेंस हैं। पहला ये है कि साइटोकाइनेसिस जो होती है वो ओजेनेसिस में अनइक्वल होती है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में ये इक्वल होती है। यानी कि जो चार डॉटर सेल हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में वो एक जैसी होंगी, परंतु जो चार डॉटर सेल हैं ओजेनेसिस में वो भिन्न प्रकार की होंगी। उसमें तीन पोलर बॉडी बनती हैं और एक जो है आपकी ओवम बनता है। तो साइटोप्लाज्म का जो डिवीज़न होता है वो अनइक्वल होता है ओजेनेसिस के अंदर। दूसरा जो डिफरेंस है इसके अंदर, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इट कॉन्टिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ मेल, परंतु ओजेनेसिस जो होता है वो एक कुछ समय के पश्चात जो है वो रुक जाता है। वो उसको हम जो फीमेल्स कहते हैं मेनोपॉज, मेनोपॉज के बाद जो है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम दैट स्टॉप्स। ओजेनेसिस जो तीसरा डिफरेंस है, ओजेनेसिस जो होती है इट इज़ ए लॉन्ग रेस्टिंग फेज, वाइल स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार होती रहती है, परंतु इसके अंदर ओजेनेसिस के अंदर बहुत सारे रेस्टिंग फेसेस होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ओजेनेसिस के बारे में, तो ओगोनियम जो है या जो हम जिसे एग मदर सेल कहते हैं वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होती है, इस प्रकार से उसकी संरचना होती है। ये सबसे पहले माइटोटिकली डिवाइड करके बहुत सारी सेल्स का निर्माण कर सकती है। तो एक ओगोनियम, एक जो एग मदर सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड करके सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पर भी 2n है, यहाँ पर भी 2n 2n नंबर रहेगा, बहुत सारे प्राइमरी ऊ साइट्स जो है उनको निर्माण करती है जो स्ट्रक्चर में कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अब इसके अंदर जो होता है ये प्राइमरी ऊ साइट, ये प्रोफेज फर्स्ट यानी मियोसिस वन की फर्स्ट प्रोफेज प्रावस्था जो है उसके अंदर अरेस्ट रहती है। और जितनी भी प्राइमरी ऊ साइट्स हैं वो ओवरी के अंदर बर्थ के टाइम पे फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है, मतलब जब फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसके अंदर बहुत सारे जितने उसको ओवर रिलीज करने हैं उतने प्राइमरी ओसाइट्स प्रोफेज वन प्रावस्था की जो मियोसिस वन की प्रोफेज वन प्रावस्था में अरेस्टेड रहते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जब इसके अंदर जो है सेकेंड डिविज़न होता है तो एक और पोलर बॉडी इसके अंदर सेकेंडरी जो है ऊ साइट का निर्माण होती है, और ये जो सेकेंडरी ऊ साइट है ये आपके मेटाफेज टू में अरेस्ट होती है और कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ये जब मियोसिस वन होता है, और जब मियोसिस सेकेंड होती है तो सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होती है और एक ओवम जो है वो रिलीज होता है, वो आपके इसके अंदर जो है जब स्पर्म इसके अंदर एंटर करता है तो इसके अंदर जो है मियोसिस टू उसके बाद जो है वो कंप्लीट होती है, और ये जो ओवम है वो इस प्रकार से जो ओवरी है उससे रिलीज होकर
आगे का जो प्रोसेस है उसका, जो फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ वो यूट्रस के अंदर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये प्रोसेस जो है ऊजेनेसिस का ये होता है। अब इसकी फिजियोलॉजी अगर हम बात करें तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो इस साइक्लिक इवेंट्स को कॉन्टीन्यूसली रेगुलेट करते हैं। तो ये जो हार्मोन हैं ये फीमेल रिलीजेस 1 to few to hundreds to lakhs ऑफ जो है आपके वो ओवम रिलीज करती है, एग रिलीज करती है, डिपेंड्स अपॉन द स्पीसीज। तो अगर हम कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनके अंदर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनके अंदर ईस्ट्रस साइकिल होता है। तो मनुष्य और कुछ प्राइमेट्स के अंदर जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जबकि जो दूसरे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ईस्ट्रस साइकिल जो है वो होता है। तो अगर हम इनको कंपैरिजन की बात करें तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंड्रोमेट्रियम जो है, जो इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस है, वो शेड होती है, जो ब्लड के साथ हर बार मेंस्ट्रुअल साइकिल में बाहर रिलीज कर दी जाती है, जबकि इसके अंदर जो एंड्रोमेट्रियम है वो रीअब्सॉर्ब हो जाती है ईस्ट्रस साइकिल के अंदर, तो वो शेड नहीं होती है। इसके अंदर जो ईस्ट्रस जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, इनके अंदर फीमेल्स कैन मेट थ्रू आउट द साइकिल, तो इनकी कोई कंपल्शन नहीं है, फीमेल वो थ्रू आउट देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल दे कैन मेट एनी टाइम विद द मेल्स, परंतु इनके अंदर जो फीमेल है वो केवल जो है उस समय ही मेटिंग करती है जब एग रिलीज होना होता है, उस समय ही वो रिसेप्टिव होती है, दूसरे टाइम पे वो रिसेप्टिव नहीं होती। एंड ये जो पीरियड है ये पीरियड कहलाता है, दिस पीरियड इज ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड, कि इस समय वो हीट में है। ये हीट में इसलिए कहलाती है कि उस समय बॉडी टेम्परेचर उसका थोड़ा सा राइज हो जाता है, इसलिए इस प्रावस्था को हीट की प्रावस्था भी बोलते हैं। तो जो साइकिल है ये आपके ईस्ट्रस साइकिल, इट वेरीज फ्रॉम 28 डेज इन मैन टू 5 डेज इन माइस। कुछ एनिमल्स के अंदर डॉग्स और बियर्स में जो होता है पर साल एक, हर वर्ष एक होता है, या दो, कई एनिमल्स के अंदर वर्ष में दो बार जो है वो ये इनका ईस्ट्रस या ईस्ट्रस साइकिल वो साल में दो बार आता है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ एक वही है जैसे अभी हम बात करते हैं, फीमेल चाइल्ड इज बोर्न विद ऑल द ओसाइट्स, जो प्राइमरी ओसाइट्स हैं वो ओवरी के अंदर उसके साथ ही बोर्न होती है। इन माइस ओगोनियम माइट मल्टीप्लाई एट एडल्टहुड, एडल्टहुड जो है उस पर वो है उसमें मल्टीप्लाई होती है। अब इसकी फिजियोलॉजी की अगर बात करें कि ओजेनेसिस जो है वो किस प्रकार से कंट्रोल होता है, तो हाइपोथैलेमस जो है ये कंट्रोल करता है सारे प्रोसेस के ओजेनेसिस को। इसके अंदर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये इनकी जो अनुपस्थिति है वो हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करते हैं GnRH रिलीज करने के लिए, और जब ये प्रेजेंट होते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन तो वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं GnRH रिलीज करने के लिए, और ये GnRH जो है एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाकर वर्क करता है। फिर ये जो है एंटीरियर पिट्यूटरी अगेन जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन लो होता है उस कंडीशन में एंटीरियर पिट्यूटरी इनहिबिट होती है FSH और LH को रिलीज करने के लिए, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन को स्क्रीट करने में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का अगेन इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो अगर हम साइकिल देखते हैं तो ये जो फर्स्ट 4 डेज हैं ये जो होते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड के फेस हैं, इसमें जो है LH कॉन्टीन्यूस रिलीज इंक्रीज करता है और 14 डे पे ये पीक में पहुंच जाता है। इसी तरह से FSH जो है वो भी कॉन्टीन्यूस इंक्रीज करता हुआ लगभग 14 डे के आसपास, 13 डे के आसपास पीक पे पहुंचता है, फिर उसके बाद लगातार 28 डेज तक ये डिक्लाइन होता रहेगा, और वापस जब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो फिर इन दोनों हार्मोन्स का इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये अगर हम ओवेरियन साइकिल की बात करें ये तो FSH और LH के साइकिल हो गए, तो ये डे 4 पे जो है आपके जब मेंस्ट्रुअल पीरियड ख़त्म हुआ तो जो ओवेरियन फॉलिकल है वो धीरे धीरे मैच्योर होता जाता है,
और 14 डे पे ये ओवेरियन मेच्योर से जो मेच्योर फॉलिकल है उसमें से ओवम रिलीज हो जाता है और वो कॉर्पस यूटेरिन की फॉर्मेशन हो जाती है, फिर कॉर्पस एल्बिकंस बनकर और जो ओवम है और जो एंडोमेट्रियम है यूट्राइन जो वॉल है उसको शेड हो जाती है बाई 28 डेज। तो उसके बाद जो है आपके मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है वो शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह से यदि यदि हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात करें तो ईस्ट्रोजन लेवल जो है वो 14 डे से थोड़ी सी पहले उस समय पीक पे होता है, मतलब उसकी जो है कंटिन्यूस इंक्रीज करेगा अप टू 14 डे और जब आपके ओवुलेशन हो जाता है 14 डे के आसपास तो फिर इसके अंदर डिक्लाइन होता है एंड बाई 20-25 डेज तक ये फिर थोड़ा सा इंक्रीज होकर फिर लो हो जाता है एंड एंटर द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। परंतु प्रोजेस्टेरोन जो है वो आपके 13-14 डे तक थोड़ा इंक्रीज करेगा, फिर उसके बाद स्टेबल रहेगा एंड इट रीचेज इट्स पीक बाई 20-25 डेज के आसपास इसकी प्रोजेस्टेरोन की पीक होती है। तो ये यूट्राइन साइकिल, अगर हम यूट्रस को देखें तो इस समय एंडोमेट्रियम बहुत थिक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं जो उसकी इनर लाइनिंग है वो शेड होनी शुरू हो जाती है, तो ये बहुत थिन हो जाती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा हो जाता है तो उस समय ये जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम है वो थिन होती है, तो ये फिर वापस उसकी वॉल जो है वो बिल्डअप शुरू होनी होती है, उसके अंदर जो है आर्टरीज और ये सब इनका फॉर्मेशन शुरू होता है एंड इट गेट्स थिकन्ड बाई 28 डेज। और अगर 28 डेज 14-15 डेज पे यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होता ओवम का तो फिर ये एंडोमेट्रियम और ये ब्लड वेसल्स और ये जो टिश्यू हैं वो सारे शेड होकर वापस उसकी थिकनेस पतली हो जाती है। तो इस तरह से जो यूटेराइन साइकिल और ओवेरियन साइकिल और किस तरह से जो हार्मोन है LH, FSH, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये ऊ साइड जो ऊ जेनेसिस है उसको रेगुलेट करते हैं, ये अभी हमने इसके बारे में देखा। ऊपर नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ऊ जेनेसिस की तरह जो स्पर्म मदर सेल्स हैं या जिनको हम स्पर्मेटोगोनियम बोलती हैं वो पहले माइटोटिकली डिवाइड करती हैं नंबर में इंक्रीज करने के लिए और फॉर्म करती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट म्यूसिस के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड म्यूसिस के बाद जो है आपके अर्ली स्पर्मेटिड का निर्माण करती है। तो ये अगर हम कहीं टेस्टिस की वॉल है तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्म मदर सेल है स्पर्मेटोगोनी माइटोटिकली डिवाइड करेगी तो फिर मियोटिकली डिवाइड कर ये आपके जो अर्ली स्पर्मेटिड है उसका निर्माण करती है। इसके अंदर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, जो सर्टोली सेल्स हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करती हैं, वो इसके अंदर जो है प्रेजेंट होती हैं। तो मियोसिस टू के बाद जो अर्ली स्पर्मेटिड बन गया ये डिफ्रेंशिएट होकर जो है मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन करता है और ये जो डिफ्रेंशिएशन है इस प्रोसेस के अंदर जो है आपके जो सर्टोली सेल्स हैं वो आपके न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करते हैं। तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जो एपिडिडिमस से होता हुआ वास डिफरेंस में पहुंचता है। वास डिफरेंस जो है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो ये अगर हम बात करें ये इस तरह से अगर हम स्ट्रक्चर देखें ये टेस्टिस है तो टेस्टिस से ये आपके एपिडिडिमस के अंदर आया, एपिडिडिमस के बाद वास डिफरेंस के अंदर आया, वास डिफरेंस के बाद ये जो है सेमिनल वेसिकल के अंदर आया, लेकिन जेकुलेटरी डक्ट के रूप में कार्य करता है। इसके अंदर जो है आपके बल्बो यूरेथ्रल और प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड एक पेयर और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये इनका जो एक्सक्रीशन है वो मिक्स होता है और यूरेथ्रा के थ्रू जो है ये पेनिस से होता हुआ जो है स्पर्म्स को बाहर जेकुलेट कर देता है। तो अगर हम इसकी फिजियोलॉजी की बात करें तो हाइपोथैलेमस जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे कार्य करता है और जब ये GnRH को रिलीज करता है और ये जो है आपके फिर एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके एक्टिवेट करते हैं टू फॉर्म FSH एंड LH। FSH और LH जो है आपके
एलेक जो है उसके अंदर लीडिंग सेल्स पे जाके कार्य करता है जो टेस्टोस्टेरोन को फॉर्मेशन में मदद करते हैं। उसके दो कार्य होते हैं, एक तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल फैक्टर्स को जो है उनकी फॉर्मेशन में, सेकेंडरी सेक्सुअल फैक्टर की वो हेल्प करता है, और दूसरा जो है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में भी टेस्टोस्टेरोन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। FSH जो है वो सर्टोली सेल्स को जाके एक्टिवेट करता है, और ये सर्टोली सेल्स जो हैं वो आगे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार से हाइपोथैलेमस से GnRH एंटीपिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा, एंटीपिट्यूटरी से FSH एंड LH आते हैं, LH लीडिंग सेल्स को और FSH सर्टोली सेल्स को एक्टिवेट कर टेस्टिस के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने में मदद करता है। तो अगर हम फिजियोलॉजी ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो एक्सटर्नल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो टेस्टिस और पेनिस कहलाते हैं, और कुछ इसके अंदर एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो कुछ हार्मोन सीक्रेटिंग ग्लैंड हैं, जैसे अभी हमने बात की प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये सारी जो हैं आपके और सेमिनल वेसिकल, ये भी जो है आपके ये 60% ऑफ जो टोटल सीमन है उसके एक्सक्रीशन का 60% पार्ट जो था वो प्रोस्टेट बल्बो थ्रू बल्बो यूरेथ्रल और सेमिनल वेसिकल द्वारा सीक्रेटेड जो है एक्सक्रीशन होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं लीडिंग सेल्स वो टेस्टोस्टेरोन और दूसरे एंड्रोजन हार्मोन जो है उनको सीक्रेट करते हैं। टेस्टिस जो है वो स्क्रोटल सैक में हेल्ड रहते हैं, जिसका टेम्परेचर है वो 2 डिग्री बॉडी के टेम्परेचर से लगभग 2 डिग्री कम होता है। ये इम्पोर्टेंट है मैमल्स के अंदर स्क्रोटल सैक का प्रेजेंट होना। स्क्रोटल सैक में टेस्टिस इसलिए प्रेजेंट होते हैं कि प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस टू टेक प्लेस लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए जो टेस्टिस है वो कंपेरेटिवली बॉडी टेम्परेचर से उनका टेम्परेचर लो होता है, सो दैट स्पर्मेटोजेनेसिस कैन टेक प्लेस। परंतु कुछ मैमल्स ऐसे हैं, वेल्स, डॉल्फिन्स एंड एलिफेंट्स, ये तीन ऐसे मैमल्स हैं जिनके अंदर जो टेस्टिस हैं दे आर रिटेन्ड इन दर बॉडी बिकॉज ऑफ लो बॉडी, क्योंकि इन एनिमल्स का, वेल का, डॉल्फिन का और एलिफेंट्स का बॉडी का टेम्परेचर लो होता है, तो इसलिए इनके अंदर जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटल में नहीं रहकर उनकी बॉडी के अंदर ही रिटेन रहते हैं। जो सेमिनल वेसिकल फ्लूड है वो कंटेन्स फ्रक्टोज होता है, उसके अंदर कुछ कोगुलेटिंग एंजाइम्स होते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड होता है और प्रोस्टाग्लैंडिंस होते हैं। प्रोस्टेट सेक्रेशन जो होता है, प्रोस्टेट जो है वो आपके लार्जेस्ट ग्लैंड है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, जो एंटीकोगुलेंट और सिट्रिक एसिड को सेक्रेट करती है। इसी तरह से बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो म्यूकस को सेक्रेट करती है, जिसका कार्य होता है जो यूरिन एसिडिक यूरिन है यूरेथ्रा के अंदर, यूरिनेशन के बाद जो थोड़ा बहुत भी यूरिन रह जाए उस क्योंकि उसकी नेचर यूरिन की एसिडिक होती है, उसको क्लियर करने का काम जो है बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड करती है। गोनेट्स जो होते हैं वो एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को करते हैं इन बोथ मेल एंड फीमेल, बट इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। इनका जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है उनका फीमेल में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, टेस्टोस्टेरोन का कम होता है। तो इसी तरह से जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेनली मेल्स का हार्मोन है जो स्पर्म प्रोडक्शन को हेल्प करता है, स्पर्म प्रोडक्शन के साथ जो सेकेंडरी सेक्सुअल फैक्टर हैं उनको जो है कंट्रोल करने का कार्य भी टेस्टोस्टेरोन ही करता है। तो इस प्रकार से जो है ये टेस्टिस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करता है, एंड ओवम जो है वो आपके प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस को कंट्रोल करता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से कि फिजियोलॉजी ऑफ फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन ऑफ गैमेट्स क्या है। उस तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।